मादा खरगोश बच्चों को दिन में कितनी बार दूध पिलाती है? मादा खरगोश बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दूध पिलाती है। कोई कोई मादा खरगोश दिन में 1 बार भी पिलाती है। अगर मादा खरगोश दिन में 1 बार दूध पिला रही है और बच्चे 10 दिन से भी छोटे हैं, तो आप मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या खरगोश पानी पीता है? जी हाँ दोस्तों, खरगोश पानी पीता है। आप जो लोग पानी पीते हैं, वही आप रैबिट को भी दें। अगर खरगोश पानी नहीं पी रहा है तो उसे सब्जियाँ पानी में गीली करके दें। खीरा और कैबेज दे सकते हैं। इसके अलावा खरगोश के लिए एक बाउल में पानी डाल के हमेशा उसके पास रखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्या न्यूबॉर्न बेबीज के साथ मेल बनी को रख सकते हैं? जी नहीं, न्यूबॉर्न बेबी बनी के साथ मेल बनी को कभी ना रखें। मेल खरगोश बच्चों को चोट पहुंचा सकता है, इसलिए मेल बनी को बच्चों से और प्रेग्नेंट फीमेल से अलग रखें। क्वेश्चन नंबर 4, खरगोश में न्यूट्रल रेसिपी क्या होता है? दोस्तों, जब हमें खरगोश से बच्चे नहीं लेना होता है तब ये सर्जरी कराई जाती है। मेल रैबिट में न्यूट्रल और फीमेल रैबिट में इस पे सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी तब कराई जाती है जब हमने खरगोश से बच्चे नहीं लेने होते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिंगल रैबिट है तब भी आप उसकी न्यूट्रल या स्पे सर्जरी करा सकते हैं, अगर आपका बनी बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और आप लोगों को काटता है तो। क्वेश्चन नंबर 5, खरगोश के दांत बाहर आ जाएं तो क्या करें? दोस्तों, खरगोश के दांत बाहर आना खरगोश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ये खरगोश की मौत का कारण भी हो सकता है, क्योंकि बड़े दांत होने की वजह से खरगोश अच्छे से खाना नहीं खा पाता है। खरगोश के मुंह में इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए अगर खरगोश के दांत बाहर आ गए हों तो किसी अच्छे से वेट डॉक्टर से दांत कटवा दें। क्वेश्चन नंबर 6, मादा खरगोश अपने ही बच्चे क्यों खाती है? दोस्तों, जब मादा खरगोश खुद को ही अपने बच्चों को सेफ फील नहीं करती है तभी अपने बच्चों को खाती है। किसी किसी केस में मादा खरगोश एक अच्छी माँ नहीं होती है। अगर मादा खरगोश एक सेफ जगह पर है, खाना भी सेफ भरपेट मिल रहा है, तब भी अपने बच्चों को खा लेती है, तो बच्चे देने के तुरंत बाद बच्चों को माँ से अलग कर दें। इस टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, खरगोश की एज क्या होती है? वो कब तक जिंदा रह सकता है? वैसे तो मौत का कुछ पता नहीं दोस्तों कि किसकी कितनी जिंदगी है, लेकिन एक सर्च के अनुसार खरगोश की उम्र 6 से 12 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 8, विंटर में रैबिट को क्या क्या खिलाएं? बाकी दिनों में जो आप अपने खरगोश को खिलाते हैं वही खिलाएं। इसके अलावा जो सर्दियों में सब्जियां आती हैं वो खिला सकते हैं, जैसे मेथी के पत्ते, सरसों के पत्ते, थोड़े से गोभी के पत्ते भी खिला सकते हैं, चुकंदर भी खिला सकते हैं। इसके अलावा सनफ्लावर के बीज भी खिला सकते हैं, इससे खरगोश को गर्मी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, खरगोश कितने दिन में अडल्ट हो जाते हैं और बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं? खरगोश की ब्रीडिंग 8 से 9 महीने में कराएं। अगर इस एज में खरगोश बच्चे देंगे तो खरगोश की हेल्थ को लेकर कोई इशू नहीं आएगा। वैसे तो 6-7 महीने में खरगोश बच्चे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खरगोश के बच्चों को कब से खाना देना शुरू करें? खरगोश के बच्चों को लगभग 15 दिन के बाद खाना देना शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चों को माँ का दूध कब तक पिलाना है? बच्चों को माँ का दूध 45 दिन से 60 दिन तक पिलाएं। क्वेश्चन नंबर 12, क्या खरगोश के काटने पर रेबीज होता है और क्या खरगोश के काटने पर इंजेक्शन लगवाना चाहिए? दोस्तों, खरगोश के काटने पर कोई रेबीज नहीं होता और ना ही कोई इंजेक्शन लगवाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 13, खरगोश के बच्चों की आँखें कितने दिन में खुल जाती है? खरगोश के बच्चों की आँखें 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में खुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या खरगोश को गाजर खिला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, खरगोश को गाजर खिला सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 15, खरगोश 1 रखें या 2? अगर 1 रखें तो मेल रखें या फीमेल? दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक ही रैबिट पालें और वो भी मेल पालें। आप एक रैबिट क्यों पालें, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मादा खरगोश से रंग बिरंगे बच्चे कैसे लें? दोस्तों, मादा खरगोश से रंग बिरंगे बच्चे उसी कंडीशन में ले सकते हैं जब मेल खरगोश किसी और ब्रीड का हो। कहने का मतलब है दोस्तों, बच्चे किस कलर के होंगे वो मेल और फीमेल खरगोश पर डिपेंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या मादा खरगोश बिना नेस्टिंग के भी बच्चे दे सकती है? जी हाँ दोस्तों, कभी कभी मादा खरगोश बिना नेस्टिंग के भी बच्चे दे सकती है, और कभी कभी मादा खरगोश जहाँ नेस्टिंग करती है वहाँ से दूसरी जगह पर भी बच्चे दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 18, मादा खरगोश कितने दिन में बच्चे देती है? दोस्तों, मादा खरगोश 30 से 32 दिन में बच्चे देती है। क्वेश्चन नंबर 19, क्या खरगोश को वाटरमेलन खिला सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, खरगोश को वाटरमेलन खिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्या चींटियों से रैबिट या उनके छोटे बच्चों को कोई खतरा है? जी हाँ दोस्तों, चींटियों से रैबिट या उसके छोटे बच्चों को खतरा हो सकता है, इसलिए आप अपने रैबिट या उसके छोटे बच्चों को चींटियों से बचाकर रखें। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।